नमस्कार दोस्तों मेरा नाम ऋषि वर्मा मैं फिफ्थ जनरेशन ज्वेलर हूं आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमेथिस के बारे में जो कि पर्पल कलर का स्टोन है गाइस अगर आप इस वीडियो पे देख रहे हैं तो आप इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको एमेथिस की नॉलेज लेनी है एमेथिस के बारे में जानना है तो मैं आपको पूरी वीडियो एक्सप्लेन करूंगा आपको मैं इंट्रोडक्शन दूंगा बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा प्राइस के बारे में बताऊंगा ऑरिजिन के बारे में बताऊंगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपको ये बताऊंगा कि इस स्टोन को कैसे खरीदा जाए ताकि आपको असली स्टोन मिले आप नकली स्टोन ना खरीदें टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो सो स्टे ट्यून्ड इस स्टोन को हिंदी में कटेला और जामुनिया भी बोला जाता है जामुनिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जामुन के कलर से मैच करता है जामुन का जो कलर होता है वो एमेथिस्ट का भी कलर होता है बेसिकली ये जो स्टोन होता है ये यूरेनस का स्टोन है और इट्स अ सिम्बल ऑफ मॉडेस्टी काम माइंड एंड जो अगर मोडेस्टी और काम माइंड की बात करता हूँ पीसफुल माइंड की बात करता हूँ वो किसका होता है वो मंक्स का होता है बुद्धिस्ट मंक्स का होता है तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बुद्धिस्ट मंक्स जो होते हैं वो इस स्टोन को यूज़ करते हैं इस स्टोन को पहनते हैं आप उनके पास माला देखेंगे मैं आपको एक आने वाले नेक्स्ट शॉट के अंदर एक माला दिखाऊंगा जो कि हम लोग एक नए ब्रांड के अंदर बिल्ड कर रहे हैं नए ब्रांड के अंदर लेके आ रहे हैं उसका नाम है मंडला सो तो हमने उसके अंदर 108 जीरो एट की माला बनाई है आप देख सकते हैं इस वीडियो के लिंक के अंदर आप एक्सप्लेन अ एक फ्यू मालाज इन दियर कि कौन कौन से क्या क्या कैटेगरीज होती हैं और कैसे कैसे उसको यूज़ में लेके आया जा सकता है सो so बेसिकली इसको कौन पहन सकता है और कैसे पहन सकता है सैटरडे के दिन इसको मिडिल फिंगर के अंदर पहन सकते हैं अगर एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए पहन रहे हैं और इसको आप अगर अपने सराउंडिंग में भी रखेंगे अपने रूम में भी रखेंगे जो बड़ा क्रिस्टल होता है इसका कंपोजिट्स होते हैं सो लॉट ऑफ पीपल टेल यू वास्तु कंसल्टेंस आपको बताते हैं कि आप इसको अपने रूम में रख लीजिए आप या फिर इसको अपने बाथरूम में रख लीजिए या आपको पीस ऑफ माइंड देगा आपका बैलेंस करेगा माइंड को सो दैट इज़ ऑल्सो डन हाओ एवर अगर आपको इसको सिल्वर में नहीं पहनना है अपनी रिंग के अंदर नहीं पहनना है मेटल जो बताया मैंने आपको कि सिल्वर के अंदर ही ये यूज़ होता है देर इज़ अनदर वे इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं इससे पॉजिटिविटी गेन कर सकते हैं आपके पास अगर कोई एम स्टोन है तो आप रात को उसको वाटर के अंदर डिप करके छोड़ दीजिए और नेक्स्ट मॉर्निंग वो वाटर को पी लीजिए दैट ऑल्सो सोल्व अ लॉड ऑफ बेसिकली आपका जो जो भी आप जिस भी नीड के लिए उसको पहन रहे हैं जिस भी कारण के लिए आप उसको पहन रहे हैं वो उसको सॉल्व करेगा मेक श्योर स्टोन साफ़ होना चाहिए गंदा नहीं होना चाहिए बिकॉज आप कुछ भी गंदा अगर होगा तो आप यूल कंज्यूम दैट एंड सेकेंडली ऑरिजनल होना चाहिए प्योर होना चाहिए स्टोन अगर वो प्योर नहीं हुआ ऑरिजिनल नहीं हुआ सो इट कैन हार्म यू ऑल डू नॉट डू दिस विद अदर स्टोन्स बिकॉज बहुत सारे स्टोन्स ऐसे हैं जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगी uh, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एमथिस्ट के साथ हाउएवर ये कर सकते हैं अगर मैं बेनिफिट्स की बात करता हूँ सो बेसिकली आपको मैंने इनिशियली बताया कि इसको बुद्धिस्ट मंग्स पहनते हैं सो बुद्धिस्ट मंग्स को क्यों पहनते हैं क्योंकि उनका मेंटल पीस ये हार्मनी मेंटेन करके रखता है माइंड को स्टेबलाइज करके रखता है सो इन केस आपको भी माइंड स्टेबल चाहिए अपना आउट ऑफ एंग्जाइटी चाहिए कि बिल्कुल एंगजाइटी ना हो मुझे कोई फियर ना हो कोई भी मूड स्विंग ना हो सो so, बेसिकली आप इस्टोन को पहन सकते हैं इट विल हेल्प यू आउट सेकेंडली जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसको पहनने के लिए कि ये कहीं जगह के दर्द को भी हील करता है सो so, बेसिकली आपके नी में अगर पेन रहता है और आपके बैक में अगर स्पाइनल कॉर्ड में पेन रहता है और आपका आपको मेंटल हेल्प की ज़रूरत है सो so बेसिकली आप इस स्टोन को पहन सकते हैं एंड इट विल हेल्प यू आउट पुराने समय में ये स्टोन जो है क्रश करके इस स्टोन का चूरा बना के जो लोग ज़्यादा अल्कोहल पीते थे उनको दिया जाता था सो इट से इसकी अगर आप अल्कोहलिक हैं और आपको गेट ओवर करना है अल्कोहल से सो दिस स्टोन विल आल्सो हेल्प यू आउट सो दोस्तों ये एमेथिस की माला है जो हमने एक अभी नया ब्रांड शुरू करा है मंडला के नाम से अभी इट्स नॉट अवेलेबल ऑनलाइन बट इन द कमिंग डेज ये आ जाएगा सो so, बेसिकली ये हीलिंग क्रिस्टल्स हैं एंड ये एमेथिस्ट है 108 जीरो एट माला है और ये कुछ ब्रेसलेट्स हैं जो ऐसे दिखते हैं सो यू कुड वेयर दिस ऑल्सो सो ऐसी ऐसी बहुत सारी ज्वेलरी अवेलेबल uh, है मार्केट के अंदर आपको मिल जाएगी ऑनलाइन आपको मिल जाएगी सो यू कुड बाई दोज एंड वेयर इट इन केस आप स्परिचुल हैं तो आप वन माला भी ले सकते हैं और उसको एवरी मॉर्निंग चार्ट कर सकते हैं उसके साथ इट रियली हेल्प्स अब मैं रॉक क्रिस्टल्स की बात करता हूँ तो ये रॉक क्रिस्टल्स हैं ये ऐसा दिखता है रॉक क्रिस्टल ये क्लस्टर है एमेथिस्ट का और ये कुछ छोटे पीसीज हैं एमेथिस्ट के सो दिस इज़ द पर्पल कलर ये जामुनिया कलर है इसका जो uh, मैं आपको बताया था इनिशियली एंड ये रॉक क्रिस्टल्स जो हैं आप अपने रूम में रख सकते हैं मैंने ये ऑफिस में रखे हुए हैं अपने सो इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन मेंटल पीस ये लेके आता है और बहुत एनर्जी रिच रहता है तो आप इसको अपने ऑफिस में भी रख सकते हैं ऐसे क्रिस्टल्स को या फिर आप ऐसे क्रिस्टल्स को अपने घर में भी रख सकते हैं अपने रूम में भी रख सकते हैं सो so दोस्तों अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ तो प्राइस बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि उसका कलर कितना ज़्यादा डार्क है सो so इसका कलर जो होता है वो बेसिकली थ्री कैटेगरीज के अंदर आता है एक रेडिश पर्पल कैटेगरी में आता है तो थोड़ा सा रेड और पर्पल का ह्यू मिक्स होता है उसके अंदर एक लाइट पर्पल

श्रीलंका ब्राज़ील मोरक्को ये सब कंट्रीज़ है जहाँ से ये स्टोन निकलता है पर जो बेस्ट स्टोन निकलता है वो श्रीलंका से और ब्राज़ील से निकलता है सो so बेसिकली आप पूछ सकते हैं ये स्टोन कहाँ से निकला है और मैं आपको एक चीज़ बतानी भूल गया कि ये फेबररी का स्टोन है जो लोग फेबररी में मैं फेबररी में बॉर्न हुआ हूँ एक्वेरियंस uh, होते हैं फेबररी के अंदर बॉर्न सो जो लोग फेबररी में बॉर्न हुए हैं वो ये स्टोन को पहन सकते हैं हाउ एवर आई रिकमेंड कुछ भी आप स्टोन पहनने से पहले अगर आपको रूम में रखना है तो नॉट अ प्रॉब्लम आप रख सकते हैं कहीं से भी ले अपने रूम में ऑफिस में रख सकते हैं पर आपको अगर अपने स्किन पे पहनना है बॉडी पे पहनना है उसको सो so बेसिकली आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की हेल्प लीजिए अगर आपको एस्ट्रोलॉजर का नंबर चाहिए आप चाहते हैं कि मैं आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट करूँ सो प्लीज़ मुझे ई कीजिए या कॉमेंट कीजिए बिलो एंड uh, मैं आपको डेफ़िनेटली कनेक्ट करूंगा सो so, अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि इसको कैसे पहचाना जाए कि ये असली है या नहीं है सो सर्टिफिकेट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट तो आपने जूलर को बोलिए अगर आप ज्वलरी ले रहे हैं एक्सपेंसिव जूलरी खरीद रहे हैं कोई नेकललेस खरीद रहे हैं ब्रेसलेट खरीद रहे हैं और उस पर बीस तीस पचास हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं सो so आप उसको बोलिए कि प्लीज़ मुझे इसका सर्टिफिकेट देंगे किसी अच्छी लैब का जिसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी हों कि ये ऑरिजिन कहाँ का है और ये नेचुरल है भी या नहीं है कहीं ऐसा ना हो कि आप एमेथिस लेने जा रहे हैं और आपको एमथिस की जगह वो वो क्रिस्टल्स दे रहे हैं सो प्लीज़ मेक श्योर आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे गाइज थैंक यू सो मच आपने अपना टाइम दिया इस वीडियो को देखने के लिए आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए इस लिंक पर क्लिक करके मैंने ये चैनल क्यों शुरू किया मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है उसके अंदर बेसिकली वी आर डूइंग इट फॉर किड्स एजुकेशन बच्चों को फ्री में पढ़ाने के लिए चैनल स्टार्ट किया गया है एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कॉमेंट प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डो लाइक द वीडियो थैंक यू सो मच नमस्ते